हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक फ़ेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एंटी पिंपल फेस वॉश है, और इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी स्किन पे कैसे काम किया, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जिस फेस वॉश के बारे में बता रही हूँ वो है ये है मेडिमिक्स आयुर्वेदिक एंटी पिंपल फेस वॉश, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि नीम, एलोवेरा, टर्मरिक, अमाया, लोधरा, मंजुष्ठा जैसे अच्छे अच्छे हर्ब्स इसमें यूज़ किए गए हैं। ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है इसमें, और सारी आयुर्वेदिक चीज़ें, ज़्यादातर आयुर्वेदिक चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, और ये फास्ट एक्टिंग आयुर्वेदा फार्मूला है जो कि आपके पिंपल को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग है, और साइज़ इसमें और भी शायद अवेलेबल है। ये 50 ml का साइज़ है। इसकी प्राइस की बात करूँ 65 rupees है, कहीं भी इजीली मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 24 months तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो अगर आपने मेडिमिक्स सोप यूज़ किया हो तो काफ़ी कुछ सिमिलर है इसकी फ्रेग्रेंस उससे। कलर इसमें यूज़ किया गया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें मंजुष्ठा, नीम, हरिद्रा, अमाया, लोधरा, एलोवेरा 1.67% यूज़ किए गए हैं। इनएक्टिव्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको दिन में 2 बार यूज़ ज़रूर करें, और अपना फेस को गीला कीजिए और फिर अच्छे से इससे मसाज कीजिए और वाटर से धो लीजिए। धोने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। वॉश को अभी मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और तो ये काफ़ी कुछ उससे सिमिलर है। ये भी एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छे से फोम करता है आपकी स्किन पे, डर्ट फ्री बनाता है, स्किन को ऑयल फ्री बनाता है। ज़्यादातर जो एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाले फेस वॉशेज़ होते हैं वो आपकी स्किन को ऑयल फ्री ज़रूर बनाते हैं। जब चेहरा ऑयल फ्री होगा आपके पिंपल भी धीरे धीरे सूखने लगेंगे, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके पिंपल को, आपके एक्ने को ड्राई करने में। विंटर में हाँ थोड़ी सी ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है इसको यूज़ करने से, पर आप वैसे नॉर्मली किसी भी वेदर में यूज़ करोगे तो ड्राइनेस उतनी नहीं होगी, पर अभी विंटर्स में ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा सी होती है, तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर लगाना होता है। बाकी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा इसको यूज़ करने के बाद, आपको एक फ्रेश फील होगा। ड्राई स्किन वाले मैं कहूँगी इसको यूज़ ना करें, जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वही इसको यूज़ करें, क्योंकि ड्राई स्किन पे तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बनाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहूँगी सिर्फ ऑयली स्किन वाले, एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तब भी बिल्कुल आप अच्छे से हंसते इसको यूज़ कर सकते हो। एक्ने प्रोन स्किन है बिल्कुल, आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हो। जब आप इस फेस वॉश को यूज़ करोगे तो ये आपके पिंपल की लाइफ को कम करने में हेल्प करता है। अगर आप इसके साथ अच्छा सा कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हो जो कि पिंपल को ट्रीट करने में हेल्प करता है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से काम करेगा, काफ़ी हद तक अच्छे से ये काम करता है। मुझे बहुत पसंद आया, और बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप कोई अच्छा सा फेस वॉश देख रहे हो तो इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।